ये पांच चीजें आपको आपके इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प कर सकती है। सो आइए जानते हैं कौन सी है वो पांच इम्पोर्टेंट चीजें। हेलो एवरीवन, आई एम सागर गारवे एंड आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ पांच चीजों के बारे में जो आपको अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को, अपनी इंग्लिश भाषा को और ज्यादा इम्प्रूव करने में हेल्प करने वाली है। तो वो पांच चीजें कौन सी है? सबसे पहली चीज है दोस्तों, आपका माइंडसेट। बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि जो इंग्लिश तो बोलना चाहते हैं, उन्हें बहुत अंदर से वो चाह है इंग्लिश बोलने की, मगर उनका माइंडसेट ही रेडी नहीं है। वो माइंड से प्रिपेयर नहीं है कि मुझे बोलना है। उन्हें अगर मैं कहूँ कि आपको इन तीन लोगों के सामने या चार लोगों के सामने बोलना है तो वो डर जाएंगे, यानी वो अपने माइंड से प्रिपेयर नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको अपने माइंड से प्रिपेयर होना पड़ेगा कि हाँ, मुझे इंग्लिश को इम्प्रूव करना है, मुझे इंग्लिश बोलना पड़ेगा, चाहे फिर मैं गलत ही क्यों ना बोलूं, क्योंकि मैंने जो भी चीज़ आज से पहले करने की शुरुआत की है या जो भी चीज़ नई की है, पहले मैंने वो गलत ही की है, बाद में मैं उसे उसमें परफेक्ट हुआ हूँ। कोई भी एग्जाम्पल उठा के देख लीजिए दोस्तों अपने ज़िंदगी का, जो भी चीज़ आपने नए से शुरुआत की है उसमें आपने गलतियाँ बहुत सारी की है, बाद में आपने वो चीज़ों को इम्प्रूव करते हुए उसे एक परफेक्ट लेवल पे ला के रख दिया। दैट इज वॉट गोइंग टू हैपन विथ इंग्लिश ऑल्सो, कि पहले पहले जब आप बोलने की कोशिश करोगे तो आप कुछ गलतियाँ करोगे, देन यू विल बी स्टेबलाइज विद दिस लैंग्वेज, यू विल बी परफेक्ट आफ्टर फ्यू डेज, यू नो, आफ्टर फ्यू डेज ऑफ प्रैक्टिसिंग यू विल बी परफेक्ट। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो परफेक्शन के पीछे भागते रहते हैं। वो लोग कहते हैं कि जब मैं परफेक्ट सीख जाऊंगा ना, तभी मैं बोलना शुरू करूंगा। अभी मुझे थोड़ा ग्रामर में प्रॉब्लम है, अभी मुझे थोड़े वर्ड्स याद नहीं आते, अभी मुझे थोड़े वर्ड्स पता नहीं है कि कौन से वर्ड मैं यूज करूं, और इसके चक्कर में वो लोग बोलना ही छोड़ देते हैं। कई कई साल हो गए कि वो इंग्लिश सीख रहे हैं, कोई 10 साल से सीख रहा है, कोई 15 साल से सीख रहा है, कोई 20 साल से सीख रहा है, किसी किसी की तो जिंदगी कट गई, लेकिन फिर भी वो इंग्लिश नहीं बोल पाए। द रीजन बिहाइंड दैट कि वो परफेक्शन के पीछे भाग रहे थे। दोस्तों, जब तक हम परफेक्शन के पीछे भागेंगे, आई विल टेल यू कि आप कभी भी इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। आपको वो चीज़ों को यू नो समझना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि गलतियाँ तो होगी, मिस्टेक्स तो होगी, लेकिन मुझे बोलना है, यू नो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड पॉइंट इज, डू मिस्टेक एवरी सिंगल डे। बहुत से लोग गलती करने से ही डरते हैं। बहुत से लोगों को ये लगता है कि अगर मैंने गलत बोल दिया तो क्या, अगर किसी ने मुझे गलत बोलते हुए पकड़ लिया तो क्या, यू नो, उन्हें लगता है कि कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा। लेकिन दोस्तों, एक बात बताऊं मैं आपको, कि जब आप बोलना शुरू करेंगे, पीपल विल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग यू, यू नो, जब आप बोलोगे तब लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे कि चलो यार, कोई तो है जो बात कर रहा है। जब आप बात करोगे, धीरे 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 उस चीज में परफेक्शन आता जाएगा। जरूरी नहीं है कि पहले ही दिन आप बहुत अच्छी, बहुत फ्लुएंट और परफेक्ट इंग्लिश बोलो, लेकिन कुछ दिनों बाद, 30 दिन बाद, 60 दिन बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, आप बहुत अच्छे तरीके से, बहुत परफेक्टली इंग्लिश बोलना सीख जाओगे, अगर आप डेली उसके ऊपर काम करोगे, रेगुलरली उसके ऊपर अगर आप काम करोगे तो। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेवर स्टॉप लर्निंग। अभी आप कहेंगे कि नेवर स्टॉप लर्निंग मीन्स वॉट? नेवर स्टॉप लर्निंग मीन्स जो भी चीज़ें इंग्लिश के बारे में आपको कहीं से भी पता चलती है, या फिर कुछ भी नए वर्ड्स आप सीखते हो, चाहे आप यूट्यूब से सीखो, चाहे आप यू नो किसी नई बुक से सीखो, चाहे आप किसी इंसान को बात करते हुए सुनो और वहाँ से कुछ चीज़ें आपको मिले, कुछ वर्ड्स आपको मिलेंगे, कुछ सेंटेंसेस आपको मिलेंगे, वो सेंटेंस को नोट डाउन करो, उस सेंटेंस को याद रखो, उसका मीनिंग गूगल पे जाके ढूंढो, उस वर्ड्स का मीनिंग ढूंढो, वो वर्ड्स अपने डेली कम्युनिकेशन में यूज़ करो,
जब आप वो यूज करोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको मगअप हो जाएंगे। जब आपको मगअप हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपके अंदर से वो वर्ड आने लगेंगे जब भी आप कम्युनिकेट करते हो इंग्लिश में तब। सो ये बात हमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट याद रखनी है कि हमें सीखना है, नेवर स्टॉप अवर लर्निंग, कंटिन्यूसली हमें सीखना है। जो भी लोग इंग्लिश में बात करते हैं उनसे कॉन्टैक्ट में रह सकते हैं आप, या फिर उनके कुछ सेमिनार है वो आप अटेंड कर सकते हैं ताकि आप कुछ नए चीज़ें आप सीख सकें। यूट्यूब पे बहुत से ऐसे चैनल हैं जो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको सजेस्ट किया था, वो चैनल कुछ सुनिए ताकि आप नए वर्ड सीख सको, राइट। एंड द फिफ्थ एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज स्टार्ट स्पीकिंग नाउ। आज से, अभी से, इसी वक्त से बोलना शुरू कर दीजिए। जब आप बोलना शुरू करेंगे ऑटोमेटिकली इम्प्रूवमेंट वहाँ पे आएगा दोस्तों, 101% आई एम श्योर अबाउट इट कि इम्प्रूवमेंट वहाँ पे आएगा। जब आप फर्स्ट स्टेप लोगे ऑटोमेटिकली आपको, जब आप फर्स्ट स्टेप लेने के बाद आपको ऑटोमेटिकली ऐसा फील होगा कि मुझे अभी सेकंड स्टेप लेना चाहिए और मैं क्या कर सकता हूँ और मैं अच्छा क्या कर सकता हूँ। और जैसे जैसे आप एक एक स्टेप आगे जाओगे डेफिनेटली आपको खुद में बदलाव दिखेंगे, खुद में आप ग्रो हो रहे हो ऐसा आपको नजर आएगा। तो आज से ही शुरू करते हैं इसको। और चलिए, अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज बोलने के लिए। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन को हिट करना ताकि नए वीडियो आपको मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।